इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुंगेली। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से कुल 1,89,16,285 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हुआ दर्ज। 11 सीटों के लिए 94,77,113 पुरुष व 94,38,463 महिला वोटर करेंगे अपना गुप्त मतदान। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी बसपा गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने तैयार। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा, दोनों राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन को लेकर नहीं है कोई अड़चन। 15 दिनों के अंदर लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। उम्मीदवारों के चयन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भाजपा कार्यालय में आज। नए प्रदेश अध्यक्ष बने विक्रम उसेंडी, पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे काम। छत्तीसगढ़ सरकार की एग्रो उद्योग की सोच को दुर्ग के दो किसान ने किया हकीकत में तब्दील। जहां कभी धान तक पैदा नहीं हुई, अब वहां हो रही देश के सबसे बड़े सीताफल की खेती। बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब नहीं कटेगा चालान। पकड़े जाने पर चालान के पैसे से बिलासपुर पुलिस उपलब्ध करवाएगी हेलमेट। 4 क्वालिटी के हेलमेट खरीदने का दिया जाएगा विकल्प, जिसके लिए सोमवार से अभियान शुरू। रविवार की देर शाम जांजगीर नेशनल हाईवे 49 के खोखचा फाटक में एल्युमिनियम से भरा ट्रक फंसा। घंटों रुकी रेलों की आवाजाही, यातायात भी हुआ बाधित। कंप्यूटर परीक्षा दिलाने धमतरी मुख्यालय के एक कॉलेज में पहुंची छात्रा का 4 युवकों ने दिन दहाड़े किया अपहरण। छात्रा को जबरदस्ती वैन में बिठाकर फिल्मी स्टाइल में शहर के आसपास घुमाते रहे घंटों। टाइगर रिजर्व सीता नदी अभ्यारण्य में 3 ग्रामीणों ने बिजली के करंट से लकड़बग्घे का किया शिकार। धमतरी वन विभाग ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन महिला प्रकोष्ठ मुंगेली द्वारा महिला दिवस के अवसर पर जिले में पदस्थ महिला जिलाधिकारियों का किया गया सम्मान। संगठन कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं रहीं उपस्थित। बिलासपुर मस्तूरी क्षेत्र के ग्रामीण कर रहे ACC सीमेंट फैक्ट्री का विरोध। उचित मुआवजा नहीं मिलने का लगाया जा रहा आरोप। निपटारा हेतु जन सुनवाई हुई आयोजित।